यहाँ से सोलांगली है 5 किलोमीटर, जय सोना। हाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चलते हैं पैदल पैदल, फिर आएंगे 5 किलोमीटर पैदल पैदल। सिर्फ ऐसा भी नहीं है सोलांग वैली तक पहुंचना है, बर्फ तक पहुंचना है, मेन मकसद है बर्फ तक पहुंचना। हाँ तो कैसा लग रहा है अभी, मजा आ रहा है? नहीं बहुत बेहतरीन, ट्रैकिंग चल रही है अच्छा, और ये वाली ट्रैकिंग में से ज्यादा अच्छी है, ऐसी वाली ट्रैकिंग से जो ऊपर बेटर देन शिमला, शिमला ने बहुत दुख दिए। 5 में से 0 नहीं मेरी 5 में से 2, शिमला 2 मनाली अभी तक, अभी तक तो यार अच्छा ही है। मनाली की रेटिंग मैं बाद में देता हूँ जब खत्म हो जाएगी ट्रिप। तुम भी भाई ट्रैकिंग चल रही है तुम्हारी भी? ट्रैकिंग चल रही है। सोलांग जाना है? हाँ, बस ऐसी राह में मिल जाते हैं कोई लोग। नाम क्या है भाई तुम्हारा? राहुल। राहुल नाम तो सुना होगा। मैं शिवम, बोल अभी पीछे। पहले आए हो यहाँ पे क्या? अच्छा पहले ही है। अरे हरियाणा, बहुत बढ़िया भाई है राहुल हरियाणा से। रास्ते में मिलते रहेंगे, लोग चलते रहेंगे। मैं भी गाजियाबाद में रहता। अच्छा अब बस ऐसी कहानियाँ शुरू हो जाएंगी और बस ऐसी लोग मिलते रहेंगे। अब कुछ कहानी सुनेंगे इनकी, कुछ सुनाएंगे अपनी, यूँ ही रास्ते कट जाएंगे और पहुँच जाएंगे बर्फ़ की वादियों में। देखो जो ठंड तो हो रही है, पर हम भी चल ही रहे हैं। जो पीछे गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं ये है लोकल्स, यानी कि इनका लोकल का नंबर है, लोकल का नंबर है, यानी ये लोग यहीं आसपास के रहते हैं, उनके नंबर देखते हैं, पुलिस वाले आईडी चेक करते हैं, फिर इनको जाने देते हैं। ये है सीन इनके साथ। और जो ये गाड़ियाँ वापस जा रही हैं ये मौसम ख़राब होने से पहले ही ऊपर पहुँच गई थी। नज़ारे कुछ कह रहे हैं वो देखिए, ये हंसी वादियाँ आ गए हम कहाँ। है चारों तरफ बर्फ, तो मुझे हाथ में पकड़नी है बर्फ, बर्फ चाहिए बर्फ। प्रॉब्लम ये है थोड़ी सी, अभी हम पैदल जा तो रहे हैं ट्रैकिंग पे, पर हमने जो बाइक रेंट करी है उसके पैसे हो जाएंगे ख़राब। और मतलब हमने वो किया, पेट्रोल खुद से भराया, लेकिन सोलांग आने के लिए भराया, लेकिन वो तो ऐसा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उन लोगों से तो अच्छा है जिन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार रुपये की टैक्सी की और बेचारे वहाँ पे पीछे खड़े हैं, आधे तो नीचे ही खड़े हैं, आधे को तो ऊपर ही नहीं आने दे रहे, उनसे तो कह चलो कम से कम ठीक ही है। दूसरा राहुल भाई हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, राहुल भाई अब जाके आराम से ट्रिप देखना, 2-4 ट्रिप और कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुम्हें पता ये जो मैं जैकेट पहन रहा हूँ ना, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिली बिकॉज आई एम अ व्लॉगर नाउ। तो मैंने उनकी दुकान दिखाई, उन्होंने बोला अरे ले जाओ भाई कोई बात नहीं, प्रमोट करो, नॉट प्रमोट मतलब कुछ बोला नहीं, बट हाँ मुझे पता है कि इस वजह से मुझे ये जैकेट फ्री मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वरना फिर इसके 200 या 300 रुपये चार्ज होते, मतलब वापस देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे नहीं कि रख लो भाई 200-300 रुपये चार्ज होते, लेकिन अभी कुछ चार्ज नहीं करना, अभी बस इन्जॉय करना है बस। वो अकेले निकल रहे हो कैसे, क्या हिसाब है? वो आगे जा रहे हैं दोस्त। अच्छा नोदज भाई, राहुल के दोस्त भी मिल गए, अनूप, मिस्टर अनूप एंड अजय, दो लोग और, 5 हो गए हम लोग। वहाँ तक जाते जाते 1000 कर देंगे सोलांग तक। बढ़िया है। गाड़ियाँ वैसे बोल रही हैं लोकल की चाहोगे क्या, लेकिन ट्रैकिंग में मज़ा आ रहा है, तो ट्रैकिंग चल रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। व्यूज़ नो डाउट काफ़ी अच्छा है। अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरजू जगाऊं, अगर तुम कहो ऐसा गीत गाऊं के आरजू जगाऊं, अगर तुम कहो। अब यहाँ से 4.5 किलोमीटर है शायद, जैसा गूगल मैप ने बताया, बाकी देखते हैं। पर है भी बड़ी, लो जी हमने शॉर्टकट ढूंढ लिया, नीचे को ना जाके हम चढ़ जाएंगे ऊपर को। अगर तुम कहो तो अब आराम से क्या आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो
चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। क्या लोग ही बैठे थे ना उस पर, क्या हो गया? चश्मा छूट गया, सामान छूट गया, शॉर्टकट वरना फिर ऐसे घूम के आना पड़ता। ये शॉर्टकट बढ़िया, शॉर्टकट ही देखते रहो और पहुंच जाओ। इन भाइयों ने कैब की, इनका सामान वहीं छूट गया कैब में, अभी परेशान हो रहा है फोन कर करके। हाँ जी, 3 किलोमीटर बाकी है यहाँ से, अभी बीच में पॉज लिया ब्रेक, लेकिन चारों तरफ बर्फ की वादियाँ हैं इस वक्त। एक ही साला हेलमेट लेके चलना पड़ रहा। सीन देखो कैसा है यहाँ से, ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। यहाँ से है सोलांग वैली 3, वो लिखा है 3। तो भाई 3 किलोमीटर तो था यहाँ से, फिर अब हम लोकल से पूछ रहे हैं कि शॉर्टकट बताओ हमें शॉर्टकट जाने के लिए। तो एक शॉर्टकट मिला है, अब हम शॉर्टकट से जाएंगे, जिधर से गाड़ियाँ जा रही है उधर से नहीं जाएंगे। अब देखते हैं शॉर्टकट लॉन्ग कट में बदलेगा या फिर शॉर्टकट शॉर्टकट ही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, वाह व्हाट अ व्यू। तो हमें जो लोकल्स ने बताया वो बताया है इस ब्रिज से जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो राइट जा रही हैं, और हमें सीधा जाना वो होगा हमारा शॉर्टकट। अब उसे देखते हैं, ले ब्रिज का मजा लो थोड़ा सा, अच्छा लग रहा है ब्रिज। बाइक होती मोटर व्लॉग में मज़ा आ जाता। वो वाली रोड हमने छोड़ दी, अब हम आए हैं शॉर्टकट पे। थोड़े पैर संभालना भाई, और ये शॉर्टकट कम मौत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। बस शूज़ वगैरह फिसल जाएंगे यहाँ पे मुझे लग रहा, अगर जो ठीक से नहीं चलेंगे तो। पर है ये शॉर्टकट, तो हमें शॉर्टकट चाहिए अभी, क्योंकि 3-4 किलोमीटर और चल के दिक्कत हो जाएगी, फिर वापस भी आना है और बाइक हमारी पता नहीं किस हालत में खड़ी होगी। तो चलते हैं शॉर्टकट से ही, बर्फ़ चाहिए। सोलांग वैली इम्पोर्टेंट नहीं है, बर्फ़ इम्पोर्टेंट है। वैसे शुरू हो गई है बर्फ़ थोड़ी बहुत, जैसे कि ये पड़ी आगे, वैसे तो बर्फ़ शुरू हो गई है जो कि गंदी सी हो रही है, वैसे फ्रेश चाहिए। आज का बहुत सारा प्लान था हमारा, लेकिन इस ट्रैकिंग की वजह से आज के दिन सिर्फ यही हो पाएगा, क्योंकि टाइम हुआ है हो तेरी तो 3:30 बज गए, अभी तक हम पहुँचे भी नहीं। ऊपर पहुँचेंगे फिर वापस आना है, आज का तो टाइम गया। आज बाइक रेंट करनी मुझे लग रहा है बेकार हो गई। चलो तो फिर थोड़ा सा मैं तेज़ तेज़ चल लूँ, नहीं तो हो जाएगी लेट। भाई लाइव स्नो फॉल, अरे भाई फक।